हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसी कंटिन्यूटी में आज हम एक छोटा सा अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये चीज, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। रेशनल नंबर को हम करते हैं लास्ट छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं पहले, तो इरेशनल नंबर को पहली बार हम जानेंगे क्या तरीका है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो नॉर्मली नंबर लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कहीं बीच में क्या होता है, जीरो होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1, 2, 3 चलता जाएगा, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है कि नहीं क्या, तो इस पे हमको सपोज एक इरेशनल नंबर है रूट के अंदर, जो मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स होते हैं, √2 हो गया, √3, √5, इन तीनों को आज हम एक ही स्लाइड पर रिप्रेजेंट करेंगे किस प्रकार से नंबर लाइन को शो करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम बनाएंगे √2 कैसे। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन का हमको सिर्फ ये आगे का पोर्शन बनाना है, क्योंकि ये जितने भी रेशनल नंबर हैं रूट के अंदर प्राइम नंबर ये नेगेटिव तो है नहीं, तो पीछे के पोर्शन की हमको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और हम एक स्केल के अकॉर्डिंग ये फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना ली, इसको थोड़ा जूम करके बड़ा बनाया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, अब हम कोई भी आर्बिट्ररी लेंथ चुन लेंगे। सपोज मैंने ये जो लंबाई है ये चुन ली 1, तो अपने नोटबुक में आप करोगे तो लगभग 1 इंच जो होता है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग, उसको आप ये लेंथ ले लेना। ठीक है, बोर्ड पे मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, सो ये मैंने 1 ले लिया, इतना ही फिर दूरी पे अगला 2 ले लिया, 3 ले लिया, बराबरी में निशान लगा दिया, इसी को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। क्लियर है, तो मैंने 3 तक नंबर लिख लिया, आगे भी लिख सकते हैं अगर ज्यादा चाहिए हमको, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये लेंथ कितनी है, 1। क्लियर, अब हमको क्या करना है, इस जगह पे इस लेंथ पे यहां मैं एक और बना के दिखा रहा हूं, ये ऐसे था हमने यहां लिया था हमने 0। ठीक, 0 के बाद हमने क्या कर दिया, ये 1 ले लिया, ये ले लिया 2, और आगे क्या ले लिया था हमने 3, इस तरह से ले लिया था। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आप कंपास की मदद से बना सकते हो, डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से बना सकते हो, तो या तो हम आर्क लगा के बना ले या फिर सिंपली डी रख के इस पॉइंट पर बना लेना। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी थी हमारी, 1। फिर हमने 1 वाले पार्ट पे क्या, 1 वाले पार्ट पे क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। तो ये वो परपेंडिकुलर मैंने आर्क वाला नहीं लगाया, ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर में हमको क्या करना है, इस लेंथ के बराबर वर्टिकल ऐसे कट करना है, आर्क लगाना है, ये लगा हुआ है आर्क, तो कैसे काटेंगे, यहां पे हम रखेंगे पेंसिल, कंपास में फिट करके पेंसिल को, और यहां पे क्या लगा देंगे आर्क, जितना ये लेंथ है उतना ही क्या होना चाहिए, ये लेंथ होना चाहिए। तो अगर ये लंबाई 1 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो मैंने हम आर्क किया, दिस लेंथ इज 1, तो ये भी कितना हो गया, 1 आर्क लगा दिया। फिर जहां पे आर्क पे आर्क जहां पे काटेगा इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ लेंगे, 0 मार्क, जोड़ लिया। ये जो लंबाई है हमारी, यही √2 होगी हमारी लेंथ नंबर लाइन पे। अब ये लंबाई √2 क्यों होगी, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, चलिए इसको जानने के लिए चलते हैं हम यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, ये हमारा छोटा सा एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 0 से 1 तक क्या है, 1। क्लियर है, उसके बाद जो वर्टिकल ऊंचाई है वो भी हमने कितने ले ली, 1 ले ली, बीच का एंगल 90 डिग्री हमारा ये वाला। क्लियर है, तो हमारा बन गया एक राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस, तो ये दोनों 1 1 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या हो गया बताओ, एच स्क्वायर, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा, √2। दैट मींस इस एंगल की जो ये वाली लेंथ है या फिर ये वाली ये लंबाई कितनी होगी, √2। अब ये तो तिरछी ऊपर है, हमको इसी को नंबर लाइन पर दिखाने की, नंबर लाइन तो इतना ही लंबा नीचे भी आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे कंपास रखेंगे, पेंसिल का पॉइंटर यहां रख के नाप लेंगे, और उसको आर्क लगाते हुए गोलाई में कहां ले आएंगे, हम नंबर लाइन तक दिखा देंगे, जहां पे टच हो जाए वहीं पे निशान लगा देंगे √2। सो दिस इज द लेंथ व्हिच रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं √3 का क्या करेंगे, जहां पे √2 वाला आर्क टच हो गया नंबर लाइन पे, वहीं पे दोबारा से एक और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर खींच लेंगे, सेम प्रोसीजर, या तो डी से या फिर कंपास से खींच लिया जी, उसके बाद वर्टिकल लाइन में अगेन वही 1 लेंथ जितना ये था ना ओरिजिनल पहला, उतना ही ऊंचाई का एक और आर्क लगा देंगे, लगा दिया आर्क, तो अभी यहां से लेकर यहां तक नीचे का कितना हो गया √2, और ऊपर कितना हो गया 1 हो गया, और इसको हम जोड़ देंगे, ये जो हाइपोटेन्यूज है कितना आएगा √3। अब ये √3 कैसे आएगा ये देख लेते हैं हम यहां पे। ठीक है, तो इस बार हमारा ऊपर तो 1 ही है, ये तो 1 ही है सेकंड वाले ट्राइंगल में, नीचे वाला लेंथ कितनी इस बार √2 है, तो यहां क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, अगेन हमको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, और इस बार जो बेस है वो क्या है √2 का स्क्वायर है। क्लियर है, सो वी हैव √2 स्क्वायर, ये तो 1 ही है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, दोनों मिला के 3 हो गया, और यहां लग जाएगा
रूट। तो हाइपोटेनस हमको क्या आ गया, रूट थ्री। अगेन यहाँ पे हम कंपास का पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल ओपन करके इस पॉइंट तक ले आएंगे और हम क्या है गोलाई से आर्क ड्रॉ कर देंगे, जहां पर भी मेन हमारी नंबर लाइन को टच करेगा वो हो गया पॉइंट रूट थ्री। तो ये लंबाई हमारी कितनी हो गई, रूट थ्री हो गई। ठीक है, अब रूट थ्री तो इसमें सिक्वेंस में आता है, रूट रूट टू आ गया फिर रूट थ्री आएगा, फिर रूट थ्री में बनाएंगे तो रूट फोर आएगा। अब रूट फोर हमने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, बिकॉज रूट फोर जो होता है वो तो टू ही होता है और टू तो हमको पहले से पता ही यहाँ आएगा। तो अगला अगर हम रूट थ्री पे बनाते सेम प्रोसीजर फॉलो करके तो वो जो आर्क आता वो कहाँ टकराता, टू पे, क्योंकि टू ही हमारा रूट फोर है तो वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब टू पे बनाएंगे जो कि रूट फोर है तो रूट फोर पे जो बनेगा मतलब टू पे यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या चीज है, ये रूट फोर ही है। ठीक है, अब यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा आगे आर रूट फाइव का होगा, तो हमने टू से आगे बना रहे क्योंकि हमको रूट फाइव चाहिए, तो हमने अगेन टू पे क्या कर दिया वर्टिकल लाइन खींच दी, उसमें परपेंडिकुलर है ये आर्क लगा दिया वन के, जितना ये लेंथ था उतना ये लगा दिया, इसको हम स्टार्टिंग लाइन से जोड़ देंगे, इसका हाइपोटेनस रूट फाइव होगा। इस बार रूट फाइव क्यों होगा, यहाँ पे इस बार नीचे वाला क्या चीज है, इस बार नीचे वाला देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टू तक क्या है, ये टू है नीचे वाला, देखिए लास्ट टाइम मुझे टू, तो यहाँ नीचे आ गया टू हमारा, ऊपर वर्टिकल वाला वन ही है, तो इस बार इसका हाइपोटेनस क्या आना चाहिए, रूट फाइव आना चाहिए। तो इस बार यहाँ पे ये क्या चीज है, टू है, तो क्या मिल गया बताइए, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, दोनों मिला के हो गया फाइव, और ये लग जाएगा स्क्वायर है तो उस साइड रूट लग जाएगा। तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो जो ओ ए है वो है रूट टू, ओ बी है रूट थ्री, ओ सी है रूट फाइव, हमने रूट फोर मिस कर दिया जो कि टू ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है हम किसी भी इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट टू आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है और एक्सरसाइज में आगे कहीं पे रूट फाइव को ड्रॉ करने के लिए बोला, तो किसी भी नंबर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, रूट सेवन भी कर सकते हैं, रूट सेवन के लिए रूट सिक्स से जाना पड़ेगा आगे। क्लियर है, तो आप लोग सभी अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्लियर।